जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ नगर निगम के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई है उसमें जो आपकी फायरमैन की भर्ती है उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और इसमें आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई जानकारियां लाते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा जिसके ज़रिए आपके इसमें अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 2 घंटे का होगा और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे उसका एक पेपर होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपका ईच क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी जिसमें आपका 1 मार्क्स का 1/4 मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर पे काटा जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। तो ये आपका हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। हिंदी भी लिखी होगी और इंग्लिश में भी आपका जो एग्ज़ाम है वो आएगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जो आपका इसमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। तो इसके बाद आपका जो है फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा और इसमें जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे वो अकेला चंडीगढ़ में ही इसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो दोस्तों, बात करें इसकी कट ऑफ मार्क्स की। तो इसमें जो आपका कट ऑफ मार्क्स है फॉर ईच कैटेगरी इन ईच पोस्ट विल बी 25% मिनिमम पासिंग मार्क्स इन 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो दोस्तों, इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके टोटल मार्क्स के 25% मार्क्स होंगे। जैसे आपका 100 नंबरों का आपका पेपर होगा तो उसमें आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 25 होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सिलेबस की। तो इसमें जो आपका जर्नल इंग्लिश का होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके 20 मार्क्स के ही होंगे और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो होगा मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जिसके लिए आपको 20 मार्क्स के होंगे और इसके बाद आपका जो कंप्यूटर का है उसके आपको 10 मार्क्स होंगे और इसके बाद जो आपका जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके 30 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों, ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर आपकी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।